हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं हक्का नूडल्स की बेहद मजेदार सी रेसिपी। जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे और जिसको भी खिलाएंगे भाई, तारीफ के पुल बांधे जाएंगे। जी हाँ, जो भी खाएगा बहुत तारीफ करेगा। एक बार इस तरह से बनाकर जरूर देखिएगा, बेहद पसंद आने वाले हैं सबको और आपका भी मन खुश हो जाएगा। एक तो खाकर इसका टेस्ट देखकर और दूसरा जब कोई आपकी तारीफ करेगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी को गर्म करना है, उसमें नमक डालना है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और नूडल्स डाल देंगे। ऑयल इसलिए क्योंकि ये आपस में चिपकेंगे नहीं। फिर उसके बाद करना हमें ये है, जब तक हमारे नूडल्स बॉइल होंगे हमने यहाँ ऑयल गर्म करना है। 4-5 लहसुन की कलियों को काट दिया है बारीक, वो डालना है और साथ में ही आप डाल दिएगा यहाँ पर 2-3 हरी मिर्च तीखे के लिए और बाकी अपनी पसंद की जो भी आपको वेजीज इसमें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ शिमला मिर्च लिया है, गाजर ली है और साथ में पत्ता गोभी। इसको बारीक बारीक यानी पतला पतला लंबे में काट लिया है और इसको बस थोड़ा सा हमें पका लेना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी लिया है, साथ में यहाँ प्याज डाल देनी है। इसको थोड़ा सा हमें पका लेना है और सब्जी को हमें हाई फ्लेम पे चलाते हुए पकाना है और उसके बाद हमारे नूडल्स भी उबल गए हैं। सब्जियां कुछ ही देर में पक जाती हैं, उसके बाद हमने यहाँ उबले हुए नूडल्स डाल देने हैं और बाद में हमें यहाँ पे डालने हैं कुछ सॉसेज, दुनिया जहाँ की जो भी आपको पसंद है वो सारी सॉसेज आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे डालना है, सबसे पहले हमने लिया है चाउमीन हक्का नूडल्स का ये जो मसाला होता है वो डालना है और आप यहाँ पे टोमेटो सॉस एड कर लीजिएगा, हरी चटनी जो होती है, और यहाँ शेजवान चटनी भी आप डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इससे। तो मैंने यहाँ पे डाली है शेजवान चटनी और साथ में ही सोया सॉस ऐड करनी है, इसके बिना तो भाई अधूरा है, और विनेगर ये सब डालना है और साथ में ही आपको इसमें डालना है चिली फ्लेक्स तीखे के लिए। अगर आपको नहीं चाहिए ज़्यादा तीखा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो भाई। नमक बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जैसे कि मैं भूल गई। तो यहाँ पे हमें डालना है नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लिएगा, सबको अच्छे से मिला लेना है और बस एकदम बनकर परफेक्ट तरीके से हमारे ये नूडल्स, हक्का नूडल्स तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक कर दिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।